मिलियनेयर फेक्कू काम वाला घर का खाना। एक शहर में सिंधिया नाम का करोड़पति रहता था। उसके बहुत सारे बिजनेस थे। उसने बेईमानी और मकारी से कई हजार करोड़ रुपए कमाए। अपने चोरी के पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए उसने एक अलग ऑफिस बनाया, जिसमें बैठकर नकली बही खाता बनाने लगे, जिससे वो सरकार को कई सौ करोड़ रुपए कर देने से बचता रहा। एक दिन एक ऑडिटर उसके पास दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, सर अभी अभी खबर मिली है कि इनकम टैक्स का रेड होने वाला आपके घर में। अपना सारा घोटाले का हिसाब किताब इसमें डाल रखा है और पूरा डाटा हमने डिलीट कर दिया सर। आप जरा होशियार रहिए सर, उनके गिरफ्त में ना आइए। हम सब एक हफ्ते के लिए यहाँ से फरार हो रहे हैं सर। कहकर उसे एक पेन ड्राइव दिया और सब वहाँ से भाग गए। सिंधिया की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसके घर के पास अफसरों का जीप आकर रुकी। सिंधिया उन्हें देखकर घर के पिछली दीवार को फांदकर वहां से भाग गया। वहां से भागकर वो एक रेलगाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। रेलगाड़ी अगले स्टेशन में रुकी। ट्रेन से उतरकर सिंधिया यहाँ वहां देखने लगा। तभी उसने देखा कि आईटी अफसर उसे तलाश करते हुए वहां आ रहे थे। सिंधिया, अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए, इनसे कैसे बचूं? यूं सोच ही रहा था कि तभी एक आदमी वहां आया और, भाई तुम ही रमेश हो ना? तुम ही वो रसोइये हो ना जिसे शुभम ने भेजा था? पर तुमने ये हुलिया क्या बना रखा है? करोड़पतियों की तरह सूट बूट पहन के खड़े हो। तब सिंधिया, मैं ही हूँ रमेश। अरे ये तो मेरे दोस्त के कपड़े हैं साहब। अभी दो दिन पहले किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए साहब। अगर कोई और कपड़े हो तो मुझे दीजिए साहब। चलिए साहब चलते हैं। यूं वो किसी बड़े घर में रसोइये के काम पर लग गया। पहले दिन घर का मालिक, सुनो भाई रमेश, आज तुम चिकन बनाओ, घर पर मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, कहकर रमेश रसोई में गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। सिंधिया अपने आप से, अरे किस मुसीबत में फंस गए यार, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती, अब क्या करूं? कहकर आंगन में जाकर उसने एक मुर्गी को पकड़ा। बाद में उसने एक तवे को चूल्हे पर चढ़ाया और उसमें ढेर सारा तेल डाला। तब अचानक आग के शोले निकलने लगे। ये देखकर सिंधिया, अरे यार अब मैं चिकन बनाऊं कैसे? यूं सोचकर उसने एक बर्तन चूल्हे पर रखा और उसमें जिंदा मुर्गी को बिठा दिया। फिर उसके हाथ जो भी मसाले लगे सब उसमें डाल दिया। तब मुर्गी जोर से करके चिल्लाने लगी। तब सिंधिया, अरे इसकी आवाज सुनकर कोई यहाँ आ गया तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अगर मैं गर्मी कम कर दूं तो मुर्गी चुप हो जाएगी, कहकर उसने चूल्हा बंद कर दिया। तभी वहाँ एक नौकर आया और, सुनो भाई मेहमान आ गए हैं, चिकन तैयार है ना? साहब कह रहे हैं जल्दी ले आकर परोसो। तब सिंधिया, ओ हाँ तैयार है, एकदम तैयार है, कहकर उस बर्तन को ले जाकर उसने मेज पर उंडेला। तब उसने देखा कि घर का मालिक तो मेज पर बैठा था और उसके चारों तरफ इसे पकड़ने जो आईटी ऑफिसर आए थे वे सब खड़े थे। एक आईटी ऑफिसर ने सल्यूट मारकर, वो सिंधिया हमसे बच गया सर, वो रेलगाड़ी में बैठकर कहीं भाग गया, यू आर रियली वेरी सॉरी सर। तब घर का मालिक, ओके, हमारे काम में ये सब होता रहता है, मैं दूसरे आईटी ऑफिसर्स की तरह सख्त नहीं हूँ, चलो आ जाओ पहले खाना खा लो। यूं कहा तो सबने उसे सल्यूट मारा। फिर वे सब वहाँ बैठ गए। उन्हें देखकर सिंधिया का कलेजा मुंह को आ गया। उसने वो बर्तन टेबल पर रखा। घर का मालिक, भाई ये नया नया रसोईया है, तुम लोगों के लिए खास हमने चिकन बनवाया है, चलो भाई सबको परोसो तो सही। ऐसा कहा तब सिंधिया ने बर्तन का ढक्कन खोला, अंदर से जिंदा मुर्गी बाहर उछल कर निकली। वो मुर्गी कह के चिल्लाने लगी तो सब हैरान रह गए। तभी उस घर के मालिक को फोन आया। वो, हेलो, हाँ क्या कहा? तुमने जो रसोईया भेजा वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। ठीक है कहकर उसने फोन काटा और खड़ा होकर उसने सिंधिया का गिरेबान पकड़ा। क्यों भाई तुम हो कौन, सच सच बताओ, कहकर एक थप्पड़ मारा। तभी एक अफसर, सर यही तो है सिंधिया, ऐसा कहा। तब सबने उसकी तलाशी ली तो उसके जेब से एक पेन ड्राइव बरामद हुआ।
फिर सबने मिलकर उसे खूब मारा। इस तरह सिंधिया जेल चला गया।